अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं जी, खैरियत से हैं, खुशबाश रहें, मज़े में रहें, हैप्पी हैप्पी रहें। तो आज हम बना रहे हैं निहारी। तो अच्छा जी, यहाँ पे हमने ले लेना है 1 कप भर कर ऑयल का, जो हमने इसमें प्रेशर कुकर में डाल दिया है। और एक प्याज ले लेंगे मीडियम साइज़ की, स्लाइस में कटी हुई, तो वो भी इसमें डाल दी है। तो इसको हमने करना है ब्राउन। तो ये देखें, इस तरह ये ब्राउन हो गया। तो इसमें मैंने 8 जवे लिए थे लहसुन के, और 3 अदद थी हरी मिर्च, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया था थोड़ा सा पानी डालकर। तो ये डाल दिया इसमें, और अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर पेस्ट। ये 4 अदद छोटे साइज़ के टमाटर थे, तो ये भी मैंने पानी डाल के तो ग्राइंड कर लिए थे। अब हम डाल देंगे यहाँ पे 1 टीस्पून धड़ा मिर्च। अच्छा जो ये जो है ना, ये नेशनल का है, वो निहारी मसाला। तो ये एक छोटा पैक पैक जो होता है ना, ये वो वाला है, मैंने इसमें वो डाला था छोटा वाला। तो ये मैंने सारा ही डाल दिया था, नेशनल का छोटा पैक जो है, आई थिंक 40 या 50 का आता है, वो वाला पैक है ये। और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून जो है ना जिंजर पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने साबुत जिंजर नहीं इसमें डाला, मैंने जिंजर पाउडर डाला है। तो इसको हमने भून लेना है, इसकी भुनाई कर लेनी है। 5 से 10 मिनट इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। तो देखें अभी से कितने मज़े की लुक लग रही है। फिर इसमें डाल देंगे हम गोश्त। अच्छा जो ये जो मटन लिया है मैंने, ये 1/2 kg से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये डाल लेंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। 15 से 20 मिनट तक अच्छी से भुनाई करनी है। तो ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो मैं निकाल लूँगी इसको थोड़ा सा। ये अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद जो ऑयल होगा ना इसका, वो फिर हम निकाल लेंगे। तो ये देखें मैंने थोड़ा सा रहने दिया और थोड़ा सा मैंने निकाल लिया, मतलब हाफ निकाल लिया और हाफ जो है वो रहने दिया। तो ये देखें कितना मज़े का लग रहा है, इतनी प्यारी खुशबुएं आ रही हैं। अच्छा जी, पानी जो है वो यहाँ पे मैंने 1 किलो पानी है, और 1 किलो पानी के अलावा 1 गिलास मैंने भर कर और डाला था इसमें, ठीक है। और अब इसको लगा देंगे सीटी, ढक्कन। अच्छा जी, मैंने आधे घंटे के लिए इसको सीटी लगाई थी, ठीक है। तो मैंने आधे घंटे के बाद फिर ढक्कन जब खोला है, ठीक है, तो ये अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब मैंने यहाँ पे ना आटे का घोल बना कर रखा हुआ था, वो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डालूँगी। अच्छा, जब हमने आटे का घोल बनाना है तो इसको दोबारा से फिर हमने स्ट्रेन करके तो फिर इसमें डालना है। तो जो आटा मैंने लिया था वो है 5 से 6 चम्मच है, मतलब 1/2 कप से भी कम है। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी और साथ साथ चम्मच चलाती जाऊँगी। तो कुछ लोग मैदा भी यूज़ करते हैं, मैंने आटा यूज़ किया है, ठीक है। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये पक चुका है। अब मैं इसको ढक्कन दे के ना तो 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि इसका जो ऑयल है ना ये ऊपर आ जाए इस तरह से, ये जिसको तरी कहते हैं, तरी। तो ये देखें, अब जो हमने निकाला हुआ था ऑयल वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखें कितना मज़ेदार सा हमारा ये ना निहारी तैयार है, तो कितनी खूबसूरत सी और कितनी मज़े की। और ऊपर हम गार्निश करेंगे हरा धनिया, तो हरा धनिया डाल के और ही इसकी खूबसूरती में इजाफा हो गया। हरा धनिया वो चीज़ है जिससे जो हमारे खाने हैं ना वो अधूरे ही रहते हैं।
तो चले जी, यहाँ पे मैंने डिश आउट करके दिखाया आपको। तो ऊपर से फिर मैंने थोड़ा सा धनिया और गार्निश किया है, और इसके ऊपर डाल बारीक कटा हुआ अदरक, और साथ में हम रखेंगे लेमन। तो कितने मज़े की लुक, और खाने में भी इतना मज़ेदार सा हमारा ये निहारी। तो कैसे लगी आपको ये मज़ेदार सी निहारी, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो जनाब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, और अपने प्यारों का और दुआओं में हमेशा याद रखें, और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करती रहूँगी। और ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आज की निहारी आपको।